इंग्लैंड के खिलाफ टेस्ट सीरीज के पहले दो मैच के लिए बीसीसीआई ने आज भारतीय टीम का ऐलान कर दिया है। टीम में केएल राहुल, शिखर धवन और रोहित शर्मा चोट के कारण टीम में जगह नहीं बना पाए हैं, जबकि भुवनेश्वर कुमार भी अभी चोट से नहीं उभरे हैं। गौतम गंभीर की टीम में जगह बरकरार है और ईशांत शर्मा की टीम में वापसी हुई है। न्यूजीलैंड के खिलाफ टेस्ट सीरीज से अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में लंबे समय के बाद वापसी करने वाले गंभीर ने इंदौर में हुए आखिरी टेस्ट मैच में अर्धशतक लगाया था। वहीं इंग्लैंड के खिलाफ टेस्ट मैच में टीम की कप्तानी विराट कोहली करेंगे। टीम में मुरली विजय, अजिंक्य रहाणे, मोहम्मद शमी, आर अश्विन, रविंद्र जडेजा, जयंत यादव, हार्दिक पांड्या, उमेश यादव, करुण नायर, अमित मिश्रा, रिद्धिमान साहा और चेतेश्वर पुजारा को शामिल किया गया है। इंग्लैंड के खिलाफ राजकोट में 19 से 13 नवंबर के बीच होने वाले टेस्ट से सीरीज का आगाज होगा और भारतीय टीम 5 नवंबर से राजकोट में अभ्यास शुरू करेगी। इसके बाद 17 से 22 नवंबर के बीच विशाखापट्टनम में दूसरा, 26 से 30 नवंबर के बीच मोहाली में तीसरा, 8 से 12 दिसंबर के बीच मुंबई में चौथा और 16 से 20 दिसंबर के बीच चेन्नई में पांचवा और अंतिम टेस्ट मैच खेला जाएगा। आईसीसी टेस्ट टीम रैंकिंग में शीर्ष पर मौजूद भारतीय टीम के लिए यह श्रृंखला किसी परीक्षा से कम नहीं होगी, क्योंकि इंग्लैंड के खिलाफ पिछली 3 टेस्ट श्रृंखलाओं में भारत को हार मिली थी। देखते रहिए डीबी लाइव।